हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल आरपीजीज रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बेहद टेस्टी टमाटर रसम, उसको आरन भी बोला जाता है। मैंने मीडियम साइज़ के 4-5 टमाटर लिए हैं। मैंने ये लिया है स्प्रिंग ऑनियन और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें लगभग बराबर बराबर ही लिए मैंने। मैंने लिया है रोस्टेड मूंगफली पाउडर और रोस्टेड चना पाउडर, उसको बारीक किया है मिक्सर में। और ये लिए फल्ली की बीजे, वो बहुत सही लगते हैं। और ये लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट 1-1 चम्मच, इमली का जूस लिया है, इमली को भिगो के उसका जूस बनाया था मैंने, वो निकाला है। और ये लिए है मैंने नारियल, सूखे हुए नारियल, थोड़े से हरी मिर्ची, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार है। और साबुत मसालों में मैंने लिया है खड़ा मसाला में मीरे, कलमी, इलायची, लौंग, जायत्री, जायफल और काली मिरे, तो ये सभी थोड़ा थोड़ा लिया है, तेज़पत्ती लिया है। और ड्राई मसाले में मैंने लिया है मिर्ची पाउडर 1 चम्मच लिया है मैंने, सौंफ लिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच लिया है मैंने, हल्दी 1/2 चम्मच, और एक गरम मसाला है जो स्वाद अनुसार लिया है 1 चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है और नमक, ये सब स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। तो चलिए हम सबसे पहले टमाटर को फ्राई करते हैं, कच्चे टमाटर नहीं पीसेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमने पैन गरम करके उसमें तेल गरम कर किया है और हरा धनिया ऐड किया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमें भूनना है, उसका कच्चापन कम करना है। दोस्तों इसको हर जगह के हिसाब से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कहीं रसम बुलाया जाता तो कहीं आरन बुलाया जाता टमाटर का, कहीं टमाटर का झोल बुलाया जाता तो कहीं टमाटर का रसा बुलाया जाता, पर तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है हर जगह का। ये देखिए इस तरह से हमको भूनना है अच्छे से। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने उसको अच्छे से भूनना, पकाना है, फ्राई करना है। हल्का, पूरा गलाना नहीं है हमें, हल्का हल्का हो गया हमारा ऑलमोस्ट। अभी इसे मिक्सर में निकालते हैं और नारियल के संग इसको पीस लेते हैं। देखिए नारियल ऐड करके हमने इसकी ऐसी पेस्ट बनानी है इस तरह से। अभी वही पैन लेके हमने उसमें तड़का लगाना है, तेल गरम करके राई ऐड कर दिया मैंने, जीरा ऐड करूँगी और सौंफ ऐड करूँगी, उसको भी हल्का भून लेंगे कि इस तरह से भून लेते हैं उसको हल्का हल्का। और इसमें तेज पत्ता भी ऐड करते थे और जो साबुत मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें, तेज पत्ता को भी भून लेते हैं और ये साबुत मसाले हैं वो भी ऐड कर देते, पूरी तरह से अच्छे से भून लेते हैं इनको। दोस्तों ये बहुत ही सही लगता है बनने, ठंडी के सर्दी में बहुत अच्छा लगता है। हमने लाल मिर्च ऐड कर दी, अभी हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं और उसको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे, अभी आपने सिंपल प्याज भी ले सकते हैं, मैंने अभी इस मौसम में ये प्याज है अवेलेबल इसलिए मैंने ये प्याज ले लिए। अच्छे से भूनना है हमको, प्याज को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल सही है, एकदम से पूरा अच्छे से पकाना है प्याज को। देखिए हमारा इस तरह से प्याज को भून गए। अभी इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, ये दाने भी ऐड कर देंगे, इसको भी पकाएंगे और इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा पकाना है दाने को। ये देखिए इस तरह से हो गया है, हमने लहसुन पेस्ट ऐड करनी है, अदरक लहसुन उसको भी घुमाना है अच्छे से। दोस्तों आप ये बनाइए, सर्दियों में बहुत सही लगता है चावल के संग। इसको अच्छे से भून लिया है मैंने, अभी ड्राई मसाले ऐड कर देती इसमें। ये देखिए इस तरह से ड्राई मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। ये हो गए हमारे ड्राई मसाले अच्छे से। अब इसमें रोस्टेड मूंगफली पाउडर और रोस्टेड चना पाउडर दोनों ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि हल्का सा तेल छूट जाए। ये देखिए इस तरह से फ्राई करें, हल्का सा तेल छूट गया है। अभी हम इसमें वो टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे, नारियल टमाटर का पेस्ट वो ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि उसमें से तेल थोड़ा थोड़ा निकल आए। जैसे तेल छूटता है मसाला भूनने के बाद में, उस लेवल तक हमें इसे भूनना है। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बहुत अच्छे से भूनना है ताकि बहुत ही बढ़िया स्वाद आए। देखिए हमारा तेल छूट रहा है अभी धीरे धीरे इस तरह से।
ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है टमाटर रसम। इसको आप इडली के संग भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें इमली का जूस होता है वो ऐड करना है। आप इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं भुनने के लिए, अच्छे से फ्राई हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने घुमा के अच्छे से फ्राई करना है इसे। ये हरा धनिया थोड़ा ऐड कर देती मैं इसमें, थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। इस तरह से घुमा घुमा के आपने भी थोड़ा सा पानी के छींटे वीटे लगा के ऐड करना है, बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है उससे, अच्छा लगता है टेस्ट। तेल छूटने तक पकाना है हमें इसे अच्छे से। देखो तेल छूट रहा है, अभी मैंने इसे पानी ऐड कर रही हूँ, जो मिक्सर में पिसा था वही पानी है। इस तरह से हमने पानी डाल डाल के पकाना है, थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं डालना है, फिर बाद में एक साथ डाल के पका लेंगे। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी डाल के फिर से पकाना है। अभी इसमें हमने पानी पूरा ऐड कर देना है अच्छे से, और इसको अच्छे से पकाएंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से पकाएंगे बहुत ही टेस्टी लगता है एकदम। देखिए मैंने एक्स्ट्रा और पानी ऐड कर दिया है, और अभी इसको अच्छे से पकाते हैं। पकने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही सही आता है, इसे ज़्यादा पकाएंगे तो और अच्छा लगता है, इसलिए भी हम इसे अच्छे से पकाते हैं। दोस्तों आप ये ज़रूर बनाइए घर में, बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए इस तरह से घुमा के हमने इसमें अच्छे से पकाना है। इसको घुमाते रहने से जो पल्क होता है नीचे नहीं बैठता है, इसलिए मैं इसे घुमाते रहती हूँ। देखिए इस तरह से यह हमारा बनी पकेगा अच्छे से तो बन जाएगा झट से। पक गया है ऑलमोस्ट, हमारा पक ही गया है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं, हरा धनिया भरपूर ऐड करना है, इसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये हो गया है हमारा, अभी हम इंडक्शन बंद करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए हो गया है, हम इंडक्शन बंद कर देते हैं, उसकी प्लेटिंग बंद करते हैं। हमने ये प्लेटिंग कर दी है, अभी इसको चावल के संग सर्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमने इसकी अभी प्लेटिंग करनी है, चावल के संग इसको सर्व करती हूँ मैं। देखिए चावल लिया मैंने, अभी इसको कटोरी में निकालती हूँ। रसम को गर्मा गर्म ही सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है, और इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेती। देखिए इस तरह से मैंने सर्व करती हूँ, आप लीजिए, आपके लिए है ये लीजिए। अब सर्व किया है। दोस्तों आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़। हैव अ नाइस डे।